एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुबह से चौधरी लाल सिंह के घर पर रेड कर रही है। चौधरी लाल सिंह के घर के अलावा अन्य भी 8 लोकेशंस हैं जिन पर जानकार सूत्रों के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड्स कर रही हैं। और ये मामला जो है वो आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर है, जिस ट्रस्ट की चेयरपर्सन कांता अंडोत्रा चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी है। अगर बात की जाए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जानकार सूत्रों ने बताया कि आज सुबह ही ईडी की टीम जो है वो चौधरी लाल सिंह के घर पर पहुंची, रेड शुरू हुई और रेड अभी तक चल रही हैं। उसके अलावा जम्मू, कठुआ और पठानकोट में 3 अलग अलग जगहों पर, 8 अलग अलग लोकेशंस पर भी रेड्स चल रही हैं। अभी मामला पूरा क्या है इस पर आते हैं। पहली बात तो ये कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, उसके तहत ये रेड्स चल रही हैं। और मामला है आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर, जिसको सीबीआई प्रोब कर रही है। ऑलरेडी जो सीबीआई है उसने इस मामले में एफआईआर 12 सितंबर 2020 को दर्ज की थी और इस मामले में चार्जशीट भी फाइल की गई है। और चार्जशीट जब फाइल की गई थी अक्टूबर 28, 2021 को सीबीआई के द्वारा, तो उस चार्जशीट में टाइम अक्यूज जो है वो कांता अंडोत्रा, जो कि इस आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयरपर्सन है और चौधरी लाल सिंह की पत्नी है, उन्हें बताया गया था। और साथ ही में रविंदर सिंह जो पटवारी थे, पटवार हल्का करंदी खुर्द और मुठ्ठी हरदो के 2011 में, उन्हें भी इस मामले में सस्पेक्ट जो है वो बताया गया था। उन पर इल्जाम ये लगाया गया कि उन्होंने क्रिमिनल कनावेंस के करते हुए 3 फर्द जारी किए, जिसमें 329 कनाल जमीन जो है वो ट्रस्ट के हवाले कर दी जनवरी 4, 2011 से लेकर जनवरी 7, 2011 तक। ये जानकार सूत्रों ने इन्फॉर्मेशन शेयर किए और चार्जशीट में ये सारी चीजें मेंशन है। ये भी बताया कि जो सीलिंग लिमिट थी इस तरीके से 100 कनाल की, जो जम्मू कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट में सेट की गई थी उसके सेक्शन 14 में, उन कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये जमीन जो है 329 कनाल के करीब करीब ये ट्रस्ट के हवाले कर दी गई थी। इन्हीं 3 फर्द के बुनियाद पर ट्रस्ट ने जो है मल्टीपल पीसेस ऑफ लैंड टोटल, जिनके अगर क्वांटिटी देखी जाए तो टोटल 329 कनाल के करीब करीब 3 गिफ्ट डीड के जरिए ट्रस्ट ने जमीन एक्वायर की जनवरी 5, 2011 से लेकर जनवरी 7, 2011 तक। और मेन पर्सन इसमें जो इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जो कि बताए जा रहे हैं, वो पूर्व एमपी और पूर्व एमएलए चौधरी लाल सिंह, उनकी पत्नी कांता अंडोत्रा और साथ ही में वो पटवारी जिन्होंने वो फर्ज जारी किए। इसके साथ साथ में ये ईडी के जानकार सूत्रों ने ये भी बताया कि जो एक्सेस लैंड है उसका इस्तेमाल डीपीएस स्कूल रन करने के लिए और अलग अलग कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा था। अब जो है इसी केस के मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईडी जो है वो चौधरी लाल सिंह के कठुआ स्थित घर में जा पहुंची और वहां पर रेड कंडक्ट कर रही है। और इसमें ट्रस्ट जो है उसकी कई सारी प्रेमिसेस हैं, उन्हें भी रेड किया जा रहा है। लैंड ओनर जो थे या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो थे, उन लोकेशंस को भी रेड किया जा रहा है। जो विटनेसेस है इस मामले में, सबके साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि एक तरफ ईडी के जानकार सूत्रों ने कहा कि सीबीआई का जो प्रोब चल रहा है इस मामले में, उसी को सपोर्ट करते हुए ये रेड्स कंडक्ट की जा रही है ईडी के द्वारा, वहीं दूसरी ओर अगर चौधरी लाल सिंह की बात की जाए तो जो चौधरी लाल सिंह के सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से चौधरी लाल सिंह कठुआ में बीजेपी को टक्कर दे रहे थे, उसी के चलते जो है ये उनके खिलाफ ये रेड्स की जा रही है, उसी के चलते जो है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये केस जो है वो बनाया गया है, ये चौधरी लाल सिंह के सपोर्टर्स का कहना है। उसके साथ ही में चौधरी लाल सिंह के सपोर्टर्स ने हालांकि नाम तो किसी पर्टिकुलर लीडर का नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है साफ साफ निशाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर साधा और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते ये सारी चीजें कर रही है और ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। वहीं दूसरी ओर ईडी के अगर जानकार सूत्रों की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो और तेजी से होगी। अभी जो रेड जो है वो चल रही है उसमें देखा जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मिलते हैं या एविडेंसेस अगर मिलते हैं तो वो सारी चीजें बरामद की जाएंगी। लेकिन उसके अलावा भी आने वाले समय में इस केस को जो है वो तेजी के साथ परस्यू किया जाएगा, ऐसा ईडी के जानकार सूत्रों का कहना है। इस पूरे केस की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि पहले भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इन मामले में इंटेरोगेशन भी जो है वो हुई थी, जिसमें चौधरी लाल सिंह और उनकी पत्नी के साथ पूछताछ भी की गई थी। लेकिन फिलहाल जो है वो इस आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर ही कहा जा रहा है कि इलीगल तरीके से जो है वो लैंड सारी एक्वायर की गई और जो पटवारी भी इन्वॉल्व थे उन्होंने कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये इल्जाम लगाया गया उन पे कि कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए जो है वो जमीन सारी की सारी ट्रस्ट के हवाले की गई, 3 फर्ज जारी किए गए जबकि उसकी इजाजत नहीं थी, और उसी जमीन का इस्तेमाल अब जो है वो डीपीएस स्कूल रन करने के लिए या अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए किया जा रहा है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये केस जो है वो कहां पर पहुंचता है, लेकिन
जहां एक तरफ ईडी के जानकार सूत्र साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस केस को परसू किया जाएगा, सीबीआई का ने ऑलरेडी मामला रजिस्टर किया गया है, तो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही होगी। वहीं दूसरी ओर जो चौधरी लाल सिंह के सपोर्टर्स हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि कठुआ में किस तरीके से चौधरी लाल सिंह टक्कर दे रहे हैं उन्हें, उसी के चलते जो है वो इस तरीके के केस, बेबुनियाद केस जो है उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, ये चौधरी लाल सिंह के सपोर्टर्स का कहना है।